नमोनमः दर्शकों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रीति रिवाज विजेता में। दर्शकों, अभी वट सावित्री व्रत या फिर जिसको बड़ सायत अमावस्या का व्रत कहा जाता है या इसे वर अमावस्या भी कहा जाता है, उसका व्रत आ रहा है जो कि 3 जून 2019 को है, जो कि कृष्ण का जो ज्येष्ठ का जो कृष्ण पक्ष है उसकी जो अमावस्या आती है उसको ये व्रत किया जाता है। ये पूरे भारतवर्ष में अधिकतर अमावस को किया जाता है, लेकिन जो दक्षिण भारत है हमारा, जो दक्षिण भारत भारत के जो काफी सारे राज्य हैं वहां पे जो ये व्रत है इस अमावस, जो ये ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या आएगी इसके बाद 15 दिन बाद जो पूर्णिमा आती है उसको ये व्रत तब किया जाता है। लेकिन दोनों की जो विधि है, सामग्रियां है, वो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई मतलब भेद नहीं है, कोई मतलब अलग नहीं है, सब रीति नियम सब एक जैसे हैं, कथा भी एक ही है। तो इसलिए मतलब क्योंकि काफी सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने कहा ये बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो कुछ लोग हैं वो इसको करते हैं, जो कृष्ण पक्ष की अभी ज्येष्ठ की अमावस्या आती है उसको करते हैं, कुछ उसके 15 दिन बाद पूर्णमासी को करते हैं। तो ये व्रत करने की लेकिन विधि बिल्कुल सेम है। तो अभी आज मैं आपको ये व्रत क्यों किया जाता है, इस व्रत की जो संपूर्ण सामग्री है, माना जाता है कि जो ये व्रत है इसमें इसकी समस्त सामग्री का बहुत ज्यादा महत्व है, अगर वह पूरी ना हो तो ये जो व्रत है वो अधूरा माना जाता है। तो उसके बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगी, व्रतधारी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब बातें। और जब इसकी कथा श्रवण करते हैं, वो कथा जरूर सुनते हैं इस व्रत को पूरा करने के लिए, तो उस समय आपको अपने हाथ में क्या लेके कथा करनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी, इसका बायना कैसे निकालना है वो सब, और उसके बाद में इसकी पूरी संपूर्ण कथा। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए फ्रेंड्स, लेकिन समस्त जानकारी देना आवश्यक है, इसलिए थोड़ा सा तो मतलब इसमें सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो ये वट सावित्री व्रत है, यह जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो ज्येष्ठ माह के जो कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या आती है उसको मनाया जाता है। इस दिन वाट वृक्ष यानी जो बरगद का वृक्ष होता है, जो बरगद का पेड़ होता है, उसकी उनकी पूजा की जाती है। वैसे भी जो बरगद का पेड़ है उसमें माना जाता है कि त्रिदेव बसते हैं उसमें, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है उसमें। और इस दिन जो स्त्रियां हैं वो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है अगर वो व्रत करती हैं और वाट वृक्ष की पूजा करती हैं। वाट वृक्ष की पूजा करने से जो उन माना जाता है कि जो उनके पति के ऊपर जितने भी संकट आने वाले होते हैं वो सब टल जाते हैं, उनको जीवन में बहुत ज्यादा धन धान्य और आदर सत्कार की प्राप्ति होती है उनके पति को। और ये भी कहा, ये भी एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो जैसे हम करवा चौथ का व्रत रखती हैं स्त्रियां, तो वो भी जैसे पति की लंबी आयु और उनके सुखद जीवन के लिए रखा जाता है, ऐसे ही ये जो वट सावित्री का जो व्रत है ये भी मतलब देखा जाए तो ये इसका जो प्रयोजन है इसका प्रयोजन भी सेम है, लेकिन विधि थोड़ी अलग है जो कि मैं आपको बताने जा रही हूं। इसमें इस व्रत को जब करते हैं, इस व्रत को करने में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, तो अब आप सारी सामग्री नोट डाउन कर लीजिए जो जो सामग्री आपको इस व्रत के लिए चाहिए रहेगी। वो इस प्रकार है, आपको सत्यवान सावित्री और ब्रह्मा जी की प्रतिमाएं चाहिएंगी जो कि कपड़े की बनी हुई हो सकती हैं, वो लीजिए। एक बांस की आपको डलिया या टोकरी जिसको बोलते हैं आप वो लीजिए। बांस का पंखा चाहिएगा आपको, और फिर उसके बाद में आपको मिट्टी का दीपक चाहिएगा, घी धूप दीप रौली मौली लाल धागा 1.25 मीटर कपड़ा, 2 जगह चाहिए, लाल हो सकता है पीला हो सकता है, वो लीजिए। आपने एक पानी का जिसमें आप पात्र भर के रखे वो मिट्टी का आप ले लीजिए, जो पात्र है या लोटा है वो आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। अगर आप किसी धातु का लेना चाहते हैं तो आप धातु का भी ले सकते हैं, वो ले लीजिए। 5 पल्लव बनाने के लिए उसमें आप अशोक के पत्ते ले लीजिए, श्रीफल ले लीजिए, और वहां पे आपको पान के पत्ते चाहिए रहेंगे, और ऋतु फल भी जैसे आजकल लीची आ रहा है, आम आ रहा है, ये सब आप लीजिए। आटे से बनी मिठाइयां लेके जाई जाती हैं जो आप घर में बना सकते हैं वो बनाइए, और बेसन के लड्डू हैं वो आप घर में बना सकते हैं, मोतीचूर के लड्डू आप अपने घर में बना सकते हैं। इसमें जो भुने हुए अंकुरित चने लेके जाए जाते हैं जो कि जिसे आप जब भी आपका व्रत जिस दिन आपने करना है, जैसे 3 तारीख को अगर आपने व्रत करना है तो आप उससे एक दिन पहले यानी आप 2 तारीख को आप इसको सुबह भिगा दीजिए चने को,
फिर जब वो भीग जाएंगे, जब उनको 7-8 घंटा हो जाएगा भीगे हुए, उसके बाद भी आप सारे चने को एक कपड़े में बांध के टांग दीजिए निचोड़ के, जिससे वो अंकुरित हो जाएंगे अगले दिन के लिए। तो वो भी लेके जाया जाता है वहां पे प्रसाद के रूप में, वो लीजिए। और गुड़ लेके जाया जाता है, फूल लेके जाइए, फूल में आप गुड़हल के फूल लेके जा सकते हैं, पीले फूल आप लेके जा सकते हैं, गुलाब के फूल आप लेके जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई से भी आप फूल लेके जाइए। वहां पे श्रृंगार का सामान दोस्तों लेके जाया जाता है। श्रृंगार के सामान में जैसे कि आप अपना पूरा बिंदी हो गया, लिपस्टिक हो गया, सिंदूर हो गया, काजल हो गया, वो सारी चीजें। और उसके अंदर सुहाग के सामान में बिछुआ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिछुआ रखा जाता है और पायल रखी जाती है, आप साड़ी भी लेके। तो ये सारा सामान आप एक मतलब एक पिटारी सी बना लीजिए, जैसे सुहाग पिटारी बोलते हैं, वो लेके जाइए। वहां पे वो ले जाई जाती है, वहां पे माँ गौरी का नाम लेकर के उनको चढ़ाई जाती है वाट वृक्ष पे, और फिर उसको ला करके घर में पहन लिया जाता है। वो पहनना बहुत शुभ माना जाता है। और अगर आप जैसे अपनी सास वगैरह को बायना दे रहे हैं, ननद को बायना दे रहे हैं, तो उसमें भी आप वो सामान उनको रख के दे सकते हैं। इस दिन आपने ये तो सब सामान का जो लिस्ट हो गया जो मैंने आपको बताया, ये सारा सामान आपने लेके जाना है वहां पे। इसमें आपको सूत का धागा, इसमें सूत के धागे का बहुत महत्व है दोस्तों, क्योंकि जब वाट वृक्ष की पूजा की जाती है तो उसमें उसकी परिक्रमा करते हुए सूत लपेटते हैं, सूत लपेटते जाते हैं। तो वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, कम से कम 3 बार लपेटना चाहिए, 3 बार, 5 बार, 7 बार और 51 बार, या फिर आप अगर आप 108 बार अगर उसकी परिक्रमा करके सूत लपेट सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, तो वो किया जाता है। तो इसलिए सूत, कच्चा सूत जो होता है, वो जरूर आप लेके जाइए अपने साथ में पूजा के लिए। ये सब सामग्री आप वहां लेके जाएंगे। इसके बाद में आपको थोड़े से तिल चाहिए रहेंगे, वो भी आप तिल भी अपने पास रख लीजिए, वो भी आप लेके जाइए, सफेद तिल लेने हैं आपको। तो आप जब वहां पे जाएंगे तो मैं बताऊंगी आपको तिलों का क्या महत्व है, आपको क्या करना है। ये सारी चीजें आपने ले ली, अब ये सारी चीजें लेके आप वहां पे जाएंगे। जो इसकी पूजा की जाती है वो पूजा कम से 12 बजे के बाद होती है वाट वृक्ष की पूजा, और अधिकतर वहां पे काफी सारी और भी औरतें बैठी होती है तो वहां पे ये पूजा होती है। जैसे करवा चौथ में ये मिलके पूजा की जाती है, ऐसी वाट वृक्ष की भी काफी सारी सुहागने मिलकर पूजा करती हैं, तो वहां पे होता है। अब मैं बताती हूँ कि सुबह से आपने क्या करना है। हाँ, इसमें व्रत जिस दिन आपका है उससे एक दिन पहले आप मेहंदी जरूर लगाइए, मेहंदी का बहुत ज्यादा महत्व है दोस्तों, तो इसलिए मेहंदी जरूर लगाइए। और हो सके तो आप जो सर है अपना, जैसे 3 तारीख को अमावस्या, वैसे भी क्योंकि सोमवती अमावस्या की बार, और अमावस्या को सर नहीं धोना चाहिए, क्योंकि सर धोने से कहते हैं कि जो गंदा पानी होता है वो पितरों के मुंह में जाता है। तो आप अपना जो व्रत के लिए जो, क्योंकि सुहागने मतलब जो व्रतधारी होती है वो स्वच्छ होती है, तो आप अपना सर रात को ही धो लीजिए, अगर हो सके तो 2 तारीख को रात को ही धो के सुखा के सोइए। और आपने सुबह जब नहा स्नान करना है उसमें आपने गंगा जल का इस्तेमाल करना है, गंगा जल मिक्स करके अपने पानी में फिर आप स्वच्छ हो जाइए, स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। उसके बाद में फिर आपने पूरा अच्छे से 16 श्रृंगार करना है। जब इसकी पूजा की जाती है तो बहुत अच्छे से तैयार होया जाता है, लाल कलर की साड़ी पहनना, पूरा मेकअप करना, और आलता लगाती हैं जो सुहागने हैं, पैरों में लगाती हैं, और मतलब कुछ हाथों में भी लगाती हैं अगर जिन्होंने मेहंदी नहीं लगाई हो। अगर आप मेहंदी, हरी मेहंदी लगा चाहते तो वो एक दिन पहले लगा लीजिए आप, और बिछुआ पहनती है, मतलब सब कुछ बहुत अच्छे से रेडी होके जाती है। फिर आप जितने भी सामान मैंने आपको बताया वो सारा सामान आप लेके जाइए। फिर वहां पे वाट वृक्ष में पहुंचने के बाद में आप सबसे पहले वहां पे जल अर्पण कीजिए। जल अर्पण करने के बाद में एक जो डलिया है जो लीजिए, उसमें मैं आपको शायद बताना भूल गई थी, आपने धान या बालू लेना है उसमें वो भर के, फिर आप उसमें ब्रह्मा जी की जो प्रतिमा है जो कपड़े की बनी हुई वो रखिए। उसके दाई ओर आप रखिए सत्यवान की मूर्ति, और बाई ओर रखिए सावित्री जी की मूर्ति, और उनको वहां पे वाट वृक्ष के नीचे रखिए। वहां पे जो पानी का जल का पात्र आप मिट्टी का मैंने कहा था या धातु का, वो रखिए। उसके ऊपर 5 पल्लव के अशोक के पत्ते लगाइए, उसके ऊपर सिंदूर और हल्दी कुमकुम वो लगा के, और उसके ऊपर श्रीफल को जो लाल हमारा कलावा होता है वो बांध करके उसके ऊपर स्थापित कीजिए। फिर वहां पे आप फूल वगैरह चढ़ाइए, और जितने भी आप सामान लेके गए हैं वहां पे ऋतु फल लेके गए हैं वो चढ़ाइए। 1.25 मीटर का जो दो जगह कपड़ा लेके गए थे वो आप चढ़ाइए, एक को अगर हो सके तो आप वाट वृक्ष के मतलब लगा करके, और उसके चारों तरफ फिर आप सूत लपेट दीजिए, तो वो एक तरह से वो वहां पे बाद में जो पुरोहित जी या पंडित जी वगैरह होते हैं वो उसको अपने यूज में ले लेते हैं।
तो वो फिर गुड़ का और जितने भी प्रसाद वगैरह है वो चने अंकुरित हो गए होंगे, आप वो चने लेके जाइए, वहां पे मिठाई जितनी बनाई है आपने और ये सब आपने सामान वहां पे लेके जाना है। वहां पे ये सब करने के बाद में फिर आपने कथा का श्रवण करना है। जैसे परिक्रमा मैंने आपको बताया था, कच्चा सूत जो है वो 3 बार, 5 बार, 7 बार कम से कम, या फिर 21, 51, या फिर हो अगर आप कर सकती हैं तो 108 बार भी परिक्रमा कर सकती हैं, वो भी वो आप कीजिए। जो आपने कथा का श्रवण करना है इसमें, वो मैं आपको बता रही हूँ कि कथा का श्रवण आपने कैसे करना है। दोस्तों जो आपने कथा का श्रवण करना है, वो आपने जब कथा आप सुनेंगे तो हाथ पे आपने तिल, मैंने बताया था आपको, वो आप तिल हाथ में रख लीजिए जब आपने कथा का श्रवण करना है। उसके बाद में जब आपकी वहां पे पूजा सारी समाप्त हो जाएगी, आप कथा भी सुन लेंगे उसकी, कथा सत्यवान और जो वट सावित्री की जो कथा, ये जो पूरी संपूर्ण कथा है वो सुनने के बाद में गणपति जी की कथा जरूर सुनिए, क्योंकि एक कथा कभी भी नहीं सुनी जाती, दो कथा सुनी जाती है। और उसके बाद में फिर आप बायना निकालिए घर आके, जिसमें कि आप जो आपने अंकुरित चने की है, मिठाइयाँ बनाइए, वो रख के उसमें आप श्रद्धा अनुसार उस पर पैसे रख के, और उसको फिर आप बायना निकाल करके आप अपनी सासू जी को दे सकते हैं, नंद को दे सकते हैं, जेठानी को दे सकते हैं, उनके पैर छुए आशीर्वाद लीजिए। इस दिन आपने, अगर आप चाहें तो आप चाय वगैरह ले सकती हैं, जब पूजा कर लें आप वाट वृक्ष के कथा वगैरह सुन लें, अगर आप चाय वगैरह लेना चाहती हैं तो ले सकते हैं। इस दिन अन्न नहीं लिया, क्या कहते हैं, फलाहार लेना चाहें तो, अगर नहीं रह सकते तो फलाहार कर सकती हैं, और नहीं तो जो इसका इसमें एक समय आप जो उसमें भोजन करना होता है वो एक समय करना होता है, तो फिर वो आप शाम के समय मतलब रात के समय में वो अपना जो पूजन करके तब कर सकती हैं। तो जो आपने तिल की जो हाथ में लेकर के जो सुनी होगी कथा, उसको आप अपने पल्ले में बांध दीजिए, उसके बाद में रात जब रात को जब चांद उगता है तो आप उस उनको वो जो तिल है वो चढ़ा दीजिए, उनको जल चढ़ा दीजिए, और उसके बाद में फिर आप अपने जो व्रत का पारायण कर सकती हैं। तो ये जो पूरी संपूर्ण विधि है इस व्रत को करने की, इस दिन कुछ औरतें जो वाट वृक्ष का जो जो वृक्ष है उसके जो पत्ते होते हैं उनका गहना भी बना करके पहनती हैं, तो अगर आप वो पहनना चाहती तो आप वो भी पहन दे, वो बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों इस दिन दान भी बहुत किया जाता है, जैसे लड्डू का दान किया जाता है इस दिन पे, और पूरियों का दान किया जाता है, चने का दान किया जाता है, जिससे कहते हैं कि आपके घर में आप लंबी बेल होती है। लंबी बेल होना मतलब कि जैसे आपके यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी पुत्र पोते पौत्र वो सब होते रहते हैं, मतलब उन वो उस घर में कभी भी मतलब कोई बांझपन नहीं होता, तो फिर वो आप इन चीज़ों का भी आपको दान करना चाहिए। और जो इसकी कथा है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो इसके लिए अब मैं, लेकिन जो पूरी विधि थी वो मैं इसको आप में बता चुकी हूँ। इसका जो नेक्स्ट पार्ट, इसको दो पार्ट्स में कर देंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो पार्ट 2 में मैं इसकी कथा वो आपके साथ साझा कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट करके बताइए कैसा लगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जो नीचे रेड बटन दिख रहा है दबाइए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जितने भी वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके, और अभी कथा दूसरे पार्ट में डाल रही हूँ ताकि वो भी आपको मिल जाए, तो इसलिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा। नमो नमो दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में।